तो रणबीर कपूर के जो ब्रह्मास्त्र वो है, उसमें जो टैगलाइन टाइटल में जो दिया गया है उसमें लिखा गया है कि सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। तो क्या सच में ब्रह्मास्त्र शक्तिशाली अस्त्र और कोई नहीं है? क्या सच में ब्रह्मास्त्र सर्वशक्तिशाली अस्त्र है? तो पुराणों के अनुसार आप श्रीमद् भगवत पुराण को देख लिया, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मतलब आप पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार, हमारे जो इतिहास उसके अनुसार अगर देखें तो ब्रह्मास्त्र से भी कई शक्तिशाली अस्त्र है। तो आज हम उन पांच अस्त्रों की बात करने वाले हैं जो जिसे ब्रह्मास्त्र भी शक्तिशाली माना जाता है। तो नंबर वन, ब्रह्मशीर अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मदेव का ही अस्त्र है, और ब्रह्मशीर अस्त्र ये भी ब्रह्मदेव का ही अस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र इसमें जो है ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं जो कि प्रलयकारी एकदम भयंकर तबाही मचा देते हैं। तो ब्रह्मशीर अस्त्र इसमें ब्रह्मदेव के पांच मुख होते हैं जो कि एकदम भयंकर प्रलयकारी तबाही मचा देते हैं। और क्योंकि ब्रह्मदेव का पहले पांच ही सिर था, लेकिन भगवान शिव द्वारा उनका एक सिर काट दिया गया जिसके कारण वो चतुर्मुखी हो गए थे। तो ये जो अस्त्र है ये पुराणों और वेदों में सब ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र बताया गया है। नंबर दो, नारायण अस्त्र। तो नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र ये दोनों अस्त्र भगवान विष्णु के अस्त्र हैं, और वैष्णव अस्त्र भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नारायण अस्त्र की। तो नारायण अस्त्र को अश्वत्थामा द्वारा महाभारत में प्रयोग किया गया था। तब सभी ने, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान हम नारायण अस्त्र का सामना कैसे करें, सभी उस पर वाण चलाने लगे तो वो और भयंकर होता गया और प्रलय मचाने लगा। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसको अगर आप काटने या रोकने का प्रयास करोगे तो और शक्तिशाली और भयंकर होता जाएगा और अधिक सर्वनाश करता जाएगा। तब पांडव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हम इस अस्त्र को रोकने के लिए, इसकी शक्ति को काटने के लिए क्या करें? तब भगवान श्री कृष्ण पांडव से कहते हैं कि नारायण अस्त्र इसको कोई काटा नहीं जा सकता, इसका कोई तोड़ नहीं है, आप इसके सामने समर्पण कर दो। नारायण अस्त्र से आप सर्वस्व अपना समर्पण कर दो, तब नारायण अस्त्र अपने आप ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। क्योंकि नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके सामने अगर आप समर्पण कर देते हैं तब नारायण अस्त्र आपको क्षमा करके वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्थात नारायण अस्त्र को किसी के द्वारा चलाया जाता है किसी पर, तो अगर यदि आप नारायण अस्त्र के सामने अपना सर्वस्व समर्पण करके अपना हथियार डाल देते हैं तब नारायण अस्त्र आपको क्षमा कर देंगे। तीसरा अस्त्र है पाशुपतास्त्र, इसको भगवान शिव का अस्त्र कहा जाता है। पाशुपतास्त्र महाभारत में अर्जुन के पास था और भगवान शिव के घोर तपस्या करके अर्जुन ने भगवान शिव से यह अस्त्र प्राप्त किया था। हालांकि इसका प्रयोग उन्होंने महाभारत में नहीं किया था। तो ये भी भगवान शिव का बहुत ही संहारकारी अस्त्र और सर्वशक्तिशाली अस्त्र है, क्योंकि इसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के नगरियों का अंत कर दिया था, त्रिपुरासुर का वध कर दिया था। तो ये भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। पाशुपतास्त्र ये भी ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली माना जाता है, और इसका तोड़ यह है कि ये जो है किसी भी निर्दोष जीव और निर्दोष प्राणी का संहार नहीं करता है। इसी कारण से रामायण में जब इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया है तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के पाशुपतास्त्र के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी निर्दोष और निष्पाप थे। इसी कारण से पाशुपतास्त्र उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाता और वापस लौट जाता है। नंबर दो, सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का और भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख अस्त्रों में से एक है। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का सर्वोत्तम और सर्वशक्तिशाली अस्त्र है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत अधिक प्रयोग किया था। तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का और भगवान विष्णु का सर्वशक्तिशाली अस्त्र है, जिसको सभी अस्त्रों में शक्तिशाली भी कहा जाता है, और ये भी ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली अस्त्र है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का और इससे शिशुपाल का संहार किया था, और कई अन्य युद्धों में इसका प्रयोग किया था। तो सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण को अर्थात भगवान विष्णु को भगवान शिव द्वारा दिया गया था, ऐसे मतलब कई कथाओं में वर्णन आता है। और ये भी कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के अलावा कोई इसका प्रयोग भी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि इसका कोई अस्त्र सामना नहीं कर सकता, इसका और कोई तोड़ नहीं है, और ये सर्वशक्तिशाली अस्त्र है। और नंबर एक पे है त्रिशूल। भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल को सर्वशक्तिशाली अस्त्रों में गिना जाता है। तो वेदों में, पुराणों में भगवान शिव के जो त्रिशूल है, अमोघ त्रिशूल, उसको सर्वशक्तिशाली अस्त्र माना गया है। इसे ब्रह्मास्त्र से और सभी अस्त्रों से सर्वशक्तिशाली बताया गया है। भगवान शिव का जो त्रिशूल है इसको भगवान शिव के अलावा भी कोई और प्रयोग नहीं कर सकता। जब भी भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रयोग किया है तब कभी भी इसका प्रयोग विफल नहीं गया है, और भगवान शिव के हाथ में वापस पुनः शत्रु का संहार करके वापस लौट आता है। और भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक है और भगवान शिव के पास ही रहता है। तो ये थे पांच अस्त्र जो कि ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली बताए गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, और अगर आप हमसे सहमत नहीं है, फिर सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके मत के अनुसार सर्वशक्तिशाली अस्त्र कौन सा है।